ओके तो शुरू करते हैं आज के सेशन में। हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में मेनली मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना, ठीक है। मींस हमें अगर कोई फंक्शन गिवेन है तो उस फंक्शन का मैक्सिमा क्या होगा या मिनिमा क्या होगा, या किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, या मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले हम लोग इस चीज को ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे कहेंगे किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिलेगा या नहीं। ओके तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए कोई एक ग्राफ है और सेकंड में ये बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ओके मैंने रेंडमली ड्रॉ किया हुआ है। तो ज्योमेट्रिकली देखें तो ये जो पॉइंट में ये नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं, और ये पॉइंट है इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। उसी तरह इस ग्राफ में देखें, इसको मिनिमा बोलेंगे, इसको भी मिनिमा बोलेंगे, इसको भी मिनिमा बोलेंगे। इस सब पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मिनिमा, ठीक है। ओके मींस इसका कंफर्मिंग या कुछ ना कुछ एज्यूम कर लीजिए कि एक्स नॉट रहा होगा। ओके तो इसको बोलेंगे एक्स नॉट को पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके तो ऐसे बहुत सारे मिनिमा पॉसिबल हो सकते हैं। एज्यूम कर लीजिए जैसे इस टाइप का कुछ ग्राफ रहा होगा, एक मिनिमा ये है। तो इन सबको जैसे एक से ज्यादा भी मिनिमा हमें एग्जिस्ट कर सकते हैं पॉइंट, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमा के केस में देखिए तो यहाँ पे एक मैक्सिमा ए भी है, एक मैक्सिमा ए भी है। तो ऐसे कितने दो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो से ज्यादा भी मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं, और एक भी मैक्सिमा जैसे इस ग्राफ में देखिए एक दो तीन, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। इसमें देखिए ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट आता है फिर, या फिर कहीं कहीं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेगा, ठीक है। ग्लोबल और ग्लोबल एंड एब्सोल्यूट दोनों सेम टर्म है। तो आपको कभी एब्सोल्यूट या अभी तक तो गेट में नहीं पूछा है, बट अगर पूछता है तो एब्सोल्यूट एंड ग्लोबल दोनों सेम ही है। और क्या होता है मैं ज्योमेट्रिकली समझा दे रहा हूँ। इसमें देखिए मिनिमा कितने हैं, दो मिनिमा है, ठीक है। दो से ज्यादा भी मिनिमा हो सकता है। तो जितने भी मिनिमा है जैसे इसको कुछ मैं पॉइंट दे दे रहा हूँ, ये पॉइंट कुछ एक्स में रहा होगा, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो इन पॉइंट में जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू सबसे कम आ रहा हो, ठीक है, दैट इज जैसे एक मिनिमा ए है एक मिनिमा है, दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है एक्स नॉट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। उसी तरह मैक्सिमम के केस में होगा, मैक्सिमम इस ग्राफ को कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। एज्यूम करिए कुछ एक्स टू होगा है, तो एक्स टू को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड मोर देन वन मैक्सिमा अगर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा, एक यहाँ पे कर रहा, तीन पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तीन पॉइंट पे कर रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट में जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, लाइक जैसे देखिए इस पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इस पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इस पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू या सबसे बड़ा वैल्यू इस फंक्शन का इस पॉइंट पे आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, मीन्स जितने भी मैक्सिमम आपको गिवेन है उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा उस जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। दैट इज अब इस ग्राफ में देखिए तो अगर ये आपका सबसे बड़ा वैल्यू है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, एज्यूम कर लीजिए एक्स कुछ थ्री है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर कोई और भी ग्राफ किसी टाइप का देता है तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी मिनिमम के करस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे उनको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, एंड जितने भी मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे उनको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। तो ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जितने भी मैक्सिमम है उन सब में से उनका जो ग्रेटेस्ट होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। उसी तरह जितने भी मिनिमम है उन सब में जिस पे लिस्ट वैल्यू आ रहा होगा उस पॉइंट को ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो इसको थ्योरेटिकली देखते हैं कि थ्योरेटिकली हम लोग कैसे मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे। कि जैसे इस ग्राफ को ले लीजिए, इस पॉइंट को एज्यूम कर लीजिए हमारे पास ये कुछ एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कुछ पॉइंट एक्स नॉट है। तो थ्योरेटिकली इसको हम लोग कैसे कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। तो एक छोटा सा नेबरहुड ले लीजिए, ये नेबरहुड ले लिया,
इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर इसके कोई भी मैं छोटा सा नेबरहुड लेता हूं तो उस नेबरहुड में बाकी पॉइंट्स पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा उससे बड़ा होगा। दैट इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स नॉट। ठीक है, और इस नेबरहुड को मान लीजिए हम इस नेबरहुड में देख रहे हैं ना, ठीक है, इस नेबरहुड को मैं एन नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग है तो एक्स नॉट दे दे रहा हूं। ठीक है, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स, कहां से बिलोंग कर रहा है? एक्स नॉट से। ठीक है, इस छोटे से नेबरहुड में हमारा इसको इफ इतना फॉर इतना देन, अगर इस टाइप की एक्टिविटी होता है तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, यहीं से हम लोग ग्लोबल मिनिमा का भी कंसेप्ट कर लेते हैं। ग्लोबल मिनिमा का क्या होगा? सेम स्टेटमेंट, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो, एफ एक्स नॉट हो, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स, कहां जो भी आपको डोमेन दिया हुआ। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन मीन्स, अगर मान लीजिए आपको यहां से लेके यहां तक का पूरा डोमेन है, अगर फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है, अगर एफ एक्स नॉट पे जो वैल्यू है सबसे कम हो रहा तो इस पॉइंट को बोलेंगे देन, इस पॉइंट को मीन्स, अगर ये देखिए दोनों एक ही चीज है, ओके, दोनों में अलग कुछ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग लोकली देख रहे हैं, लोकली देख रहे हैं तो लोकल मिनिमा हो गया, और सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, हम लोग ग्लोबल देख रहे हैं, मीन्स फॉर ऑल देख रहे हैं तो क्या ग्लोबल हो गया ना, तो फॉर ऑल देख रहे हैं तो ग्लोबल हो गया, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लोबल मिनिमा। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमा के लिए। दैट इज, हमने जैसे मिनिमा के लिए किया वैसे मैक्सिमा के लिए करना होगा। दैट इज, इफ जो हमारा एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसपे क्या हो फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन हो फॉर ऑल एक्स। ठीक है, जैसे ए मैंने ग्राफ ले लिया, एक ज़ूम करिए, इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, इसको मैं एक्स नॉट नाम दे दे रहा हूं, ओके, और एक नेबरहुड कुछ ऐसे ले रहा हूं, इसको मैं एन एक्स नॉट नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, इफ एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, कहां से? अगर इस छोटे से नेबरहुड में हम लोग देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देन एक्स नॉट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ओके, और सेकेंड केस क्या था? अगर इसी को इस नेबरहुड में ना लगा के हम इन जनरल बात करें, मीन्स फॉर ऑल कर दें, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, दैट इज, इफ एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, कहां से? अब जो भी आपको डोमेन दिया होगा, ठीक है, जो भी आपका डोमेन होगा, अगर फॉर ऑल एक्स डोमेन के लिए क्या हो रहा, सबसे बड़ा हो रहा, देन इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, देन एक्स नॉट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, दैट इज, ग्लोबल मतलब क्या, फॉर ऑल, अगर फॉर ऑल हो रहा तो ग्लोबल, अदरवाइज अगर लोकली हो रहा तो लोकल। तो एक कंसेप्ट है आपके ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा का, ये हो गया थ्योरेटिकल, थोड़ा देर पहले हमने किया था ज्योमेट्रिकली, बट प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वर्किंग रूल, क्योंकि असली आपके लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, ये आपके लिए वीवीआई है, ये चीज सीखना है कि कैसे हमें करना है, बाकी दोनों थ्योरी थी वो ओके, हम समझ गए। ओके, तो लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, इन जनरल क्या होता है, हमें एग्जाम में कुछ ना कुछ फंक्शन दिया ही रहता है ना, तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन का दिया गया है। ठीक है, तो अब यहां से हम दो चीजें कहेंगे, ठीक है, एक मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, इन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एफ एक्स हैज मिनिमा, ठीक है, एफ एक्स हैज मिनिमा एट कोई पॉइंट ले लीजिए, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इफ, ठीक है, मिनिमा कब होगा, अगर इस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को जो मैंने अबव लिखा था उसी का समरी लिखवा रहा हूं, एफ मिनिमा लेस देन इतना ही, और एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, उसी तरह
एफ एक्स हैज मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा कर लिया हमने ना, एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट इफ एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। अभी हम फॉर ऑल बोल रहे तो फॉर ऑल डोमेन पे देखेंगे तो ग्लोबल, और फॉर ऑल किसी छोटे से नेबरहुड में देखेंगे तो लोकल। बस एक कंक्लूजन था आपका। ओके, तो वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल हमारा यहां पे मैंने वर्किंग रूल लिखा था ना, ठीक है, वर्किंग रूल पहला देखते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड इतना, देन पुट, आपको पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, देन डेरिवेटिव को इक्वल टू करके, इक्वल टू जीरो करके आपको वहां से पॉइंट निकाल लेना, देन पुट इतना एंड आपको यहां से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। ओके, तो पहले स्टेप पे हमने क्या कर लिया, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, जो भी फंक्शन दिया था उसका कैसे डेरिवेटिव करके। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट, एक भी पॉइंट निकल सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट भी निकल सकता है, तो एट ईच पॉइंट फाइंड एफ डैश, ठीक है, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हमें एफ डैश, एफ डबल डैश फाइंड आउट करना है। ओके, अब इस पे कुछ कंडीशन हम देखेंगे कि जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उस कंडीशन के बेस पे हम बता देंगे मैक्सिमा मिनिमा जो भी होगा। ओके, अब इसमें हमने एफ डबल डैश फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट आपका यहां से क्या, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, मान लो एक आया तो कुछ एक्स नॉट नाम दे दिया, एक से ज्यादा आया तो एक्स वन एक्स टू इस टाइप का हमने कुछ दे दिया। ओके, ठीक है, तो यहां से तीन केसेज है, या तो एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तो तीनों पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर एफ डबल डैश इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तब इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन एफ एक्स है, इस केस में हमारे मिनिमा हो जाएगा अगर पॉजिटिव हुआ तो, देन इफ इतना इज पॉजिटिव देन एफ एक्स है मिनिमा एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। जैसे यहां बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे तो कोई एक क्रिटिकल पॉइंट उठा लिया, उस क्रिटिकल पॉइंट पर अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा देन उस फंक्शन के पास एक मिनिमा होगा किस पॉइंट पे, इस एक्स नॉट पॉइंट पे, दैट इज दिस एक्स नॉट विल बी नोन एज और कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली अगर ये फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर निगेटिव हो जाए, ठीक है, देन हम फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन है मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ओके, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उस फंक्शन के पास मिनिमा है, अगर निगेटिव हो रहा तो मैक्सिमा है, एंड अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, तीनों केस ले लेते हैं, अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तब हम बोलेंगे कि फंक्शन है नो एक्सट्रीमा, ठीक है, देन एफ एक्स है नो एक्सट्रीमा। ओके, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर ए जीरो हो जाता है तो बहुत बार हम इसको, इसका फिर इस पॉइंट पे ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं कि वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, दैट इज इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो इसको बोलेंगे इट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं या इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर फिर इस केस में हम क्या करेंगे, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है तो फिर से मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव भी इस पॉइंट पे जीरो आ गया तो फिर से हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये है इसका पूरा प्रोसीजर और ये था फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके,
एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो आप बताइए को पॉइंट कौन सा होगा जहां जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा इस ग्राफ का मिल रहा हो। आप लोग करिए। तरीका क्या था, फंक्शन लिया, इसको एफ यहाँ पे दिया हुआ, नहीं दिया रहता तो आप इसको एफ मान लेते, और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करके कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, उस पॉइंट पे इसका डबल डेरिवेटिव देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक है, मैं फिर से डिस्प्ले कर दे रहा हूं, ये रहा इक्वल टू जीरो करके पॉइंट निकाला, पॉइंट निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव देखा और इनके बेस पे मैक्सिमम मिनिमम बता देना है। तो आप लोग क्विकली करिए इसको, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्विकली करते हैं। एफ हमें दिया हुआ है, एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, एग्जाम में क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली एफ डैश कैलकुलेट करना। एफ डैश आपका क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ये हो जाएगा, इसको इक्वल टू जीरो कर देना है और जीरो करके पॉइंट लाना है। तो ये 6 तो कॉमन सभी में है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, 6 तो इक्वल टू जीरो नहीं है, इसका मतलब यही वाला पोर्शन इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या है? ओके, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस प्लस 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, दस यहां से हमें दो पॉइंट निकलेगा, एक प्लस 3 और एक माइनस 2। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट। अब इनमें से फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट। अब उसमें देखेंगे फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है, तो पहले इन जनरल फाइंड आउट कर लेते हैं। इन जनरल क्या हो जाएगा, इन जनरल हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ओके, क्विकली देखते हैं। सो एफ डबल डैश कहां पे, एक बार 3 रख लेते हैं, 3 पे क्या होगा, 6 इंटू 3 टू जा 6 माइनस 1 5 दैट इज 30 पॉजिटिव। सो 3 पे पॉजिटिव आ गया, सो क्या हो जाएगा, सो इस पॉइंट पे मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा एट 3। एंड नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, माइनस 2 पे क्या होगा, माइनस 2 पे हो जाएगा 6 इंटू माइनस 4 एंड माइनस 4 एंड माइनस 1 दैट इज माइनस 30। ओके, माइनस 30 दैट इज लेस देन, सो मैक्सिमा एट माइनस 2। ओके, तो एक कंसेप्ट आई होप सबको समझ में आ गया। तो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, इंटरेस्टिंग जो गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं। ठीक है, ताकि इस टाइप की थ्योरी दोबारा ना करना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस, इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो आप लोग अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं जब तक मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, प्लस 1 हैज, और चार ऑप्शन आपका दिया था, मैक्सिमा एट x इक्वल टू जीरो, सेकेंड था मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, नेक्स्ट वन था मिनिमा एट x इक्वल टू 0, एंड लास्ट वन है मिनिमा एट x इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का पूछ रहा है इसमें से किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ओके, सॉरी, ये लास्ट वन मिनिमा एट 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये दोनों तो सेम ही चीज हो गया ना, ये मिनिमा एट 1 है। ओके, एक क्वेश्चन है गेट 2020 का, सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ गेट 2020 का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको क्विकली करिए, आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है अभी।
इसमें वन वेरिएबल मोर क्या, यही तीन पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं सोल्यूशन करवाता हूँ कैसे हम क्विकली करेंगे इसको। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो करते हैं, एफ डैश क्या हो जाएगा, फॉर एक सेकेंड, फॉर एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 6×2 12x माइनस 4 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि x माइनस 1 का होल क्यूब वाला है, इसको फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, दैट इज ए 4 टाइम्स x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू जीरो, दैट इज x बराबर 1 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। ओके, अब इस स्टेशनरी पॉइंट को हमें बताना है कि ए मिनिमा इस पे मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा। तो इससे देख सकते हैं आपका ऑप्शन ए और सी डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, अज्यूम करिए कि अगर आपका ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाता तो डायरेक्टली बी ट्रू हो जाता और मार्क अप निकल लेते, बट यहां से हमारा सिर्फ 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पहले कैलकुलेशन में ही बहुत सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देते रहना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैं तरीका सिखा दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। डबल डैश निकालिए उस पॉइंट पे, तो पॉइंट तो एक ही है हमारा x इक्वल टू एक्स नॉट, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 12x - 1 स्क्वायर। ओके, और इस पॉइंट पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 1 - 1 जीरो। ठीक है, तो जीरो आ गया तो फिर से क्रिटिकल पॉइंट हम कुछ नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पे। ट्रिपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 12 × 2 = 24 और 1 - 1, ये फिर से जीरो आ गया। फिर से हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, फिर से नेक्स्ट डेरिवेटिव करिए। फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा इस पॉइंट पे, ये हो जाएगा 24 पॉजिटिव है, सो ये क्या दे देगा, मिनिमा दे देगा, मिनिमा एट x≠1। सो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स मतलब आपको क्लियर होगा, ये फंक्शन होगा कुछ एक्स वाई का, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं मैक्सिमम मिनिमम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, ठीक है, जो एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स वाई का मतलब यहाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और जेड क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब मैं डायरेक्टली मेथोडोलॉजी सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे वन वेरिएबल का बताया था उसी तरह टू वेरिएबल्स का होता है। तो टू वेरिएबल मतलब ये 3D में चला जाएगा ना, तो इसको हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते ना। तो डायरेक्टली मैं वर्किंग मेथोडोलॉजी समझाता हूँ कि आपको क्या करना होगा। सिमिलरली जैसा हमने वन वेरिएबल में किया वही काम यहाँ पे करना होगा। तो पीछे से एक बार रिलेट करते हैं। वहां पे हम, हमारे पास क्या था, एक फंक्शन था, एक वेरिएबल में फंक्शन था, तो हमने एफ एक्स निकाला। अब यहाँ पे दो फंक्शन वेरिएबल है, दो वेरिएबल में फंक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, एफ एक्स और एफ वाई निकालना होगा। ठीक है, फिर इक्वल टू जीरो पुट करना होगा इनको। वहां पे एक वेरिएबल में था, तो एक्चुअली हम कर रहे हैं वहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, तो सिंगल में तो हमारा काम इजीली हो गया, बट यहाँ पे डबल है, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई को कॉन्स्टेंट ले लो, तो वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर दो तो बात तो वही है। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही पॉइंट निकालेंगे, फिर पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव वाला काम करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल के फिर मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे। कंक्लूजन यही था। ठीक है, तो इसको मैं आगे करवाता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो हमें कोई फंक्शन जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया होगा, देन आपको क्या करना होगा, इतना देन कैलकुलेट। ओके, पहले मैं आपको स्टेशनरी पॉइंट बता दे रहा हूँ। जो स्टेशनरी पॉइंट हमने वन वेरिएबल में किया था ना, वही टू वेरिएबल में है। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, फिर इसके मेथोडोलॉजी बताऊंगा, डायरेक्ट वर्किंग मेथोडोलॉजी बताऊंगा स्टेशनरी पॉइंट। वन वेरिएबल आपको याद होगा, ठीक है, उसी तरह इसमें कोई पॉइंट ले लो एक्स नॉट एंड वाई नॉट। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट। अगर वही वाला बात, अगर फंक्शन का वैल्यू, ठीक है,
इसमें जैसे वहां पे एक पॉइंट था, एक तो एक्सट्रीमम वाला केस हो रहा था, दूसरा हमारा और था इन्फ्लेक्शन पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे भी उसी टाइप से दो होगा। कंडीशन हमें कोई पॉइंट पता होगा तो उस पर क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू कुछ जीरो होगा या फिर पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, दैट इज अगर जैसे कोई ग्राफ एक 2D में सोचिए, तो इस पॉइंट में मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, तो पी क्या है अपने इसके छोटे से नेबरहुड में जितने भी फंक्शन का वैल्यू है जितने भी पॉइंट्स पे सबसे क्या है छोटा है, तो इसको मिनिमा बोलेंगे। उसी तरह ए पॉइंट ले लीजिए, इसको हम लोग क्यू नाम दे रहे हैं, तो इस क्यू पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है क्या है, इसके छोटे से नेबरहुड में सारे जितने भी पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू है पॉजिटिव उन सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग मैक्सिमम बोल रहे थे। तो उसी तरह यहाँ पे दो केसेज बनेगा आपका, एक तो एक्सट्रीम पॉइंट का और सेकेंड वन बनेगा आपका सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कब होगा, जब वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। एक्सट्रीम पॉइंट किसको बोल रहे हैं, या तो ये मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो, ठीक है, बट इनके बीच का केस जो है उसको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे। तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल शो कर दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट में, जैसे यहाँ पे एक पी और क्यू का एग्जाम्पल लिया मैं, तो वैसे ही इन शॉर्ट में बता दे रहा हूं, अगर इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा ये छोटा हो जाए किससे, कोई और भी, जैसे यहाँ नेबरहुड लिया, अगर आप नेबरहुड में बात करें, छोटे नेबरहुड में बात कर रहे हैं, तो इस नेबरहुड में क्या हो रहा है, पी वाले पे देखिए, इस छोटे से नेबरहुड में इस पी पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो छोटा हो रहा है कंपेरिजन टू अदर पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। रिज्यूम करिए कि यही एक्टिविटी पूरे होल अगर ऐसे में ले रहा हूं, ठीक है, और अगर यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू, तो क्या फॉर ऑल हो गया ना, तो फॉर ऑल हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, ग्लोबल मिनिमा। ओके, तो जैसे वन वेरिएबल में था लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट, उसी तरह टू वेरिएबल में भी है। तो सिमिलरली दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा, अगर उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है सबसे बड़ा हो जाए, दैट इज ए वाला केस कंसिडर करिए। ठीक है, एक तो ए वाला हो गया, एक ए वाला हो गया, तो अगर एक छोटे से नेबरहुड में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। अदरवाइज अगर एक फॉर ऑल एक्स वाई हो रहा है, एक्स वाई कहां से, डोमेन से, जो भी डोमेन दिया होगा आपको, अगर डोमेन में जो जितने भी एक्स वाई है सबके लिए हो रहा, ठीक है, देन क्या बन जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, इस टाइप का अगर किसी पॉइंट पे इस टाइप का एक्टिविटी हो रहा कि वो सबसे छोटा हो रहा या लोकल नेबरहुड में छोटा हो रहा या छोटे से नेबरहुड में बड़ा हो रहा है या सबसे बड़ा हो रहा, तो उस पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, जिसको यहाँ पे हम एक्सट्रीम पॉइंट बात कर रहे हैं। और वैसा पॉइंट जहां पे ये दोनों एक्टिविटी हो रहा, मतलब अगर लेफ्ट में देखें तो मान लो इस टाइप का हो रहा, राइट में देखें तो कुछ इस टाइप का हो रहा, तो वैसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट जैसे 2D वाले में समझिए, 2D में जो स्टेशनरी पॉइंट हो रहा था ना, ठीक है, एक तो स्टेशनरी पॉइंट हो रहा था, y इक्वल टू fx का ग्राफ कंसीडर करिए, सॉरी y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कंसीडर करिए, ये है x क्यूब का ग्राफ। ठीक है, अब मैं x एक्सिस y एक्सिस को भूल जाइए, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, ए पॉइंट देखिए, ठीक है, इस पॉइंट को देखिए, तो इधर से क्या हो रहा, इधर से एक वाला जो हमने दो केस यहाँ पे लिखवाया था वो वाला हो रहा, और इधर से दूसरा वाला केस हो रहा है। ठीक है, मतलब एक जगह ये मैक्सिमम वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है, दूसरे साइड से देखा जाए तो मिनिमम वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो 2D में है बट 2D में इस टाइप से नहीं होता है वो, तो इसी चीज को हम लोग 2D में क्या बोल रहे थे, मीन्स फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में इन्फ्लेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के केस में इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, शैडल पॉइंट। ठीक है, इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोले ना कि अगर एक तरफ से कनकेव हो दूसरे तरफ से कन्वेक्स हो, ठीक है, किसी पॉइंट के एक साइड कन्वेक्स और दूसरे साइड कनकेव हो, तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसको यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, शैडल पॉइंट। ठीक है, ओके, बाकी इसका डिफिनीशन आप जानते ही हैं, डिफिनीशन थोड़ा सा वो स्मूथ हो, स्मूथ मतलब क्या, जैसे डिफरेंशिएबल इस टाइप का कोई फंक्शन दिया तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब जस्ट टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ए बी ये सारे इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो अगर किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो यूनिक एग्जिस्ट करेगा टेंजेंट। तो वही चीज है कि स्मूथ हो तो उस पॉइंट पे हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट की अगर डिफिनीशन की बात किया जाए,
स्टेशनरी पॉइंट ये क्या होता है, ठीक है। तो हमें जैसे कोई ग्राफ एफ एक्स दिया हुआ था, ठीक है, तो उसी को डायरेक्टली बात कर लेते हैं। इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मतलब उसके किसी भी पॉइंट लीजिए हर जगह यूनिक हीट एजेंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप ग्राफ इस टाइप से नहीं ले सकते, इसमें मैक्सिमा तो मिलेगा नो डाउट, बट इस पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, सो ये ग्राफ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट आपका क्या हुआ, ए फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ द पॉइंट एट विच फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव बिकम्स इक्वल टू जीरो, देन दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। इसी चीज को हम लोग वर्किंग मेथोडोलॉजी में यूज करते हैं और वहां पे जो रिजल्ट बनता है इसी चीज को लेकर बनता है, ठीक है। तो वर्किंग रूल डायरेक्टली इसका देख लेते हैं क्या होता है, आपको कैसे वर्क करना है, ठीक है। पहले आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। दैट इज डेरिवेटिव फाइंड आउट करके आपको क्या निकालना होगा, वहां से स्टेशनरी पॉइंट निकालना होगा। तो हमें ज़ूम कर लेते हैं कि आपको फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, एज्यूम एफ एक्स इज गिवन, ठीक है। तो वर्किंग रूल क्या होगा, फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है, आपको एफ एक्स एंड एफ वाई फाइंड आउट करना है, देन देन एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एंड एफ वाई। पहले आपको वैसे भी अगर मैं ये चीज ना लिखाऊं तो भी ये तीनों क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ओके। ए फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करना, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट बाय एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इक्वल टू जीरो। मीन्स स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, ओके। तो यहां से एज्यूम करिए आपका कुछ पॉइंट निकल गया एक्स नॉट वाई नॉट, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एज्यूम करिए कि आपका दो स्टेशनरी पॉइंट निकल गया, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, वहां के केस में इन्फ्लेक्शन पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोल लेते हैं, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट को ही हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। देन एट स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट कौन है, ये सारे हैं। देन एट स्टेशनरी पॉइंट, अब यहाँ पे हमें दो होगा, एट स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई बाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर ए क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हुआ देन कहां पे फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ठीक है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे उस पे ए क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना, अगर पॉजिटिव हुआ तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, देन क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट, देन क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट। अगर पॉजिटिव हुआ तो अब पॉजिटिव हुआ एक्सट्रीम पॉइंट होंगे तो फिर मैक्सिमम मिनिमम की बात होगा, तो फिर देख लेते हैं सब केस बनाते हैं, ठीक है। अगर एक्सट्रीम पॉइंट हो तो फिर मैक्सिमम मिनिमम बताना पड़ेगा ना, ओके। इफ एफ एक्स पॉजिटिव, इसके अंदर देखिए इसका सब कैटेगरी है, ठीक है, अगर एफ एक्स एक्स पॉजिटिव देन क्रिटिकल पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव है ना, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर एफ एक्स एक्स, ठीक है, अगर एफ एक्स एक्स निगेटिव होगा देन क्रिटिकल पॉइंट विल बी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, ठीक है। ए हो गया लेस देन और ग्रेटर देन वाला, इसमें जीरो टू वाला हम केस नहीं चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि जीरो रखेंगे, जैसे आप बोलेंगे हर जगह में तीनों के, अगर जीरो रखेंगे तो पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो एक क्वांटिटी बचा, स्क्वायर वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है,
स्क्वायर वाला ऑलवेज पॉजिटिव होता तो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, तो हम तो पॉजिटिव वाला लेते गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसका मतलब दूसरा केस हम क्या लेंगे, बी निगेटिव वाला, बी इफ एक्स एक्स इफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई क्या हो, ए लेस देन जीरो हो, ठीक है, दैट इज निगेटिव, देन क्रिटिकल, देन क्रिटिकल पॉइंट आर सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट क्या था वो दिखाया था ना जो आपको, कि जिसके एक साइड तो कुछ ऐसे मैक्सिमा टाइप से दिखे और दूसरे साइड कुछ मिनिमा टाइप से दिखे, ठीक है, इस टाइप के पॉइंट को हम लोग सैडल पॉइंट बोल रहे थे। और एज्यूम करिए अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, देन नो एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, आप ये चीज यहां से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, आप क्या बोलेंगे, इफ इतना देन नो एनी कंक्लूजन, देन नो एनी कंक्लूजन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, आपको फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, फर्दर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। तो ये आपका था टू वेरिएबल का कंसेप्ट समझने का, तो इसको हम लोग क्विकली एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन नोट डाउन करवा दे रहा हूं, मैक्सिमा, ठीक है, लेट इन देन फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टेप जो हमने बताया वो स्टेप फॉलो करना है और कैलकुलेट करना है, दैट इज हमने पहला स्टेप बताया था पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कर दीजिए, एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 6, ठीक है, यहां से हम लोग सोल्व करते हैं इसको, एंड एफ वाई सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2y, ओके, तो अब इसको इक्वल टू जीरो रखना था हमें, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 और यहां से y इक्वल टू आ जाएगा 0, सो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस 3, 0, ओके, सो इतना विल बी योर स्टेशनरी पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाल के और कुछ कैलकुलेशन करना था, वो चीजें करना है। नेक्स्ट करते हैं, आपका एफ एक्स एक्स क्या हो जाएगा ए टू हो जाएगा, एफ वाई वाई क्या हो जाएगा ए बी टू हो जाएगा, एंड एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ओके, तो फर्दर कैलकुलेशन करिए और देखिए आपका क्या आता है रिजल्ट, दैट इज इसको मैं डेल नाम दे दे रहा हूं, किसको, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई के होल स्क्वायर को, तो ये देखिए हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस 0, दैट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इट हैज अ एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट तो फिर हम इसकी बात करेंगे, एंड एफ एक्स एक्स क्या था आपका 2 था और ए भी पॉजिटिव था, जब ए पॉजिटिव हो रहा था तो हमारा क्या था पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो आप लोग को वर्किंग मेथोडोलॉजी समझ में आ गया, और ये भी तो दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको आप लोग करिए, आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे इसका मिनिमम होगा, इस क्वेश्चन का हिंट क्या है, एफ एक्स फाइंड आउट करिए, ओके, एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 × 2 = 6x प्लस 4 × 2 = 8y, ओके, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, और सेकेंड एफ वाई निकालना है, दैट विल बी 4 × 2 = 8y, एंड ऑन पुटिंग इक्वल टू 0 इट विल गिव y इक्वल टू 0, ओके, इस फंक्शन का इसको f मान ले रहे हैं हम लोग, इसको f मान लिया तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने पे इतना होगा और y के रेस्पेक्ट में करने पे इतना होगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करके कंपेयर करके सॉल्व कर दिया, y इक्वल टू 0 आ गया, इसको इस इक्वेशन में हमने पुट किया तो कुछ अच्छा, इसको तो y तो उसमें है ही नहीं, y नहीं है तो डायरेक्टली x के लिए सॉल्व होगा, x के लिए सॉल्व होगा तो यहां से दो वैल्यू मुझे दिख रहा है, एक तो दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा और सेकंड वन 0, तो यहां से आपके दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, एक 2, 0 एंड सेकंड
जीरो कमा जीरो दोनों पॉइंट पे आपको चेक कर लेना है क्या एफ एक्स एक्स आपका क्या हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस सिक्स एफ वाई वाई क्या होगा एट हो जाएगा एंड एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो ठीक है। इसका पहले सिंपल कैलकुलेशन हम कर ले रहे हैं कि डायरेक्टली क्या हो रहा है तो डेल आपका हो जाएगा एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर दैट विल बी ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा एट इंटू सिक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब इसको पुट कर दीजिए तो जब पहला पॉइंट पे ले रहे हैं टू कोमा जीरो पे क्या होगा एंड देन आफ्टर जीरो कोमा जीरो पे क्या होगा तो टू कोमा जीरो पे डेल आपका हो जाएगा डेल हो जाएगा टू कोमा जीरो पे 48 दैट विल बी पॉजिटिव एंड इस केस में हो जाएगा माइनस 48 दैट विल बी निगेटिव। तो ए क्या आपका दे देगा ये पॉजिटिव है तो मिनिमा दे देगा और ये निगेटिव है तो मैक्सिमा दे देगा ओके तो इस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलेगा। पॉइंट क्या है टू कोमा जीरो शो मिनिमा ऑफ दैट फंक्शन मीन्स गिवन फंक्शन विल बी ऑकर्ड एट द पॉइंट टू कोमा जीरो ठीक है। तो टू कोमा जीरो इस ग्राफ का क्या हो गया मिनिमा पॉइंट ठीक है। तो आई होप ये आप सबको क्लियर होगा ओके। तो आपके लिए एक होमवर्क डिस्प्ले कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होमवर्क है आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और मैं आपको सोल्यूशन कल सुबह दे दूंगा इस क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आज के लिए बस इतना ही ओके।